नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एससी ने कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर जारी निर्देशों पर लगाई रोक। विपक्ष ने शीर्ष अदालत के कदम की सराहना की। INS ब्रह्मपुत्र में भीषण आग, जहाज एक तरफ झुका, नाविक लापता। गुजरात, BJP से जुड़े विकास अहीर को सूरत पुलिस ने ड्रग्स बेचने के मामले में किया अरेस्ट। तेलंगाना, पूर्व उप मुख्यमंत्री की कार की चपेट में आने से महिला की मौत। हैदराबाद, मस्जिद गिराए जाने के बाद मोइनाबाद में तनाव। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready Made, Textiles, Stitching. Evers, Pyar Se Ghar Savarne Do. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों से संबंधित विवादास्पद निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा मुख्यमंत्रियों को असंवैधानिक निर्णय लेने से रोकने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा शासित दोनों राज्यों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग के साथ स्थित भोजनालयों को उनके मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम प्रदर्शन करने के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी। विपक्ष ने दावा किया है कि ये कदम धार्मिक भेदभाव को बढ़ाने का एक इरादे से किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करते हुए, जहाँ उज्जैन नगर पालिका ने इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं, जस्टिस ऋषिकेश राय और SVN भट्टी की बेंच ने कहा है कि भोजनालयों को ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वो किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी। सोमवार को शीर्ष अदालत में राज्य सरकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सिंघवी ने कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए एक आदेश पारित किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि UP और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित आदेश पहचान के अधिकार का बहिष्कार है और संविधान के खिलाफ। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रखरखाव के दौरान भारतीय नौसेना के युद्धपोत में आज आग लग गई। नौसेना ने बताया कि एक जूनियर नाविक लापता है और बचाव दल उसकी तलाश कर रहे हैं। नौसेना ने कहा कि सभी अन्य कर्मियों की गणना हो चुकी है। नौसेना ने बताया कि रविवार शाम को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान बहुउद्देश्य फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र पर आग लग गई और जहाज एक तरफ झुक गया। आग को सोमवार सुबह तक जहाज के चालक दल और नेवल डॉकयार्ड मुंबई और बंदरगाह में अन्य जहाजों के दमकल कर्मियों की सहायता से नियंत्रित कर लिया गया। इसके अलावा अवशिष्ट आग के जोखिम का आकलन करने के लिए सैनिटाइजेशन जांच सहित आगे करवाई जा रही है, नौसेना ने एक बयान में कहा है। सभी कर्मियों की गणना हो चुकी है सिवाय एक जूनियर नाविक के, जिसकी तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच का आदेश दिया है, नौसेना ने कहा। गुजरात के सूरत शहर पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में हिंदूवादी नेता और BJP कार्यकर्ता विकास अहीर समेत दो अन्य को MD ड्रग बेचने के मामले में अरेस्ट किया है। सोशल मीडिया पर मौजूद प्रोफाइल के अनुसार विकास अहीर हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसके साथ वो BJP युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहर में MD ड्रग्स की बिक्री के मामले में पुलिस कार्यवाही की जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि सूरत में पहले ड्रग्स की खेप मुंबई से आती थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद इस धंधे में लिप्त लोगों ने मौज ऑपरेंडी में बदलाव किया है। अब राजस्थान के जरिए ही सूरत में ड्रग्स की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने विकास अहीर के विकास के साथ चेतन साहू और अनीश खान पठान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 354 ग्राम MD ड्रग्स पाया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड गाड़ी की वजह से एक और परिवार में मातम छा गया है। दरअसल रविवार को मेरठ से दिल्ली आने वाली साइड पर गाजियाबाद के नज़दीक एक दर्दनाक हादसा हुआ। रॉन्ग साइड आ रही एक कार ने स्कूटी सवार माँ बेटे को टक्कर मार दी। इस हादसे में माँ बेटे की बीती रात अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ये पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब वायरल है। जानकारी के अनुसार यह हादसा गाजियाबाद जिले के महरोली के पास हुआ। रविवार रात 8 बजे के करीब दिल्ली के मधु विहार निवासी यश गौतम अपनी माँ मंजू के साथ स्कूटी पर सवार होकर मेरठ से दिल्ली लौट रहा था। महरोली पुल पर तेज़ रफ्तार ऑल्टो कार रॉन्ग साइड आ रही थी। दोनों में ऐसी भीषण टक्कर हुई कि स्कूटी सवार दोनों लोग हवा में उछलकर बहुत दूर जाकर गिरे। इस हादसे में घायल स्कूटी सवार दोनों लोगों को तुरंत ही नज़दीकी मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां बीती रात दोनों माँ बेटे ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में पूर्व बीआरएस विधायक टी राजैया की कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार 21 जुलाई को बताया। ये घटना तब हुई जब महिला जिले के मडीकोंडा में शनिवार रात 4 लेन वाली सड़क पार कर रही थी। उन्होंने कहा, कार एक ड्राइवर चला रहा था। राजैया जो कार में थे उन्होंने कुछ दूरी पर कार को रुकवा दिया क्योंकि उनकी उपस्थिति किसी अप्रिय स्थिति का कारण बन सकती थी। पीड़िता के पति ने मडीकोंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत दर्ज किया गया है। तेलंगाना की राजधानी में बड़ा हैरान कर देने वाला हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत जबकि दूसरा घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां अभी उसका इलाज जारी है। यह हादसा तब हुआ जब सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, तभी अचानक से एक विशाल काल बनकर लोगों के ऊपर पेड़ गिरता है। पेड़ इतनी तेज रफ्तार से गिरा कि मौके पर मौजूद लोगों को संभलने का समय तक नहीं मिला। अब इस हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हैदराबाद में शालीबंडा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाला काला पत्थर सड़क पर यह घटना हुई जिसमें पेड़ गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हुई। मृत्यु की शख्स की पहचान मोहम्मद के रूप में हुई है, वो 60 साल के थे। वहीं हादसे में घायल शख्स की पहचान अहमद के रूप में हुई है। अहमद की उम्र 43 साल थी। पेड़ के नीचे दबने से उसे कई गंभीर चोटें आई। वो तो भला मौके पर मौजूद लोगों का जिन्होंने बिना समय गंवाए पेड़ के नीचे से अहमद को बाहर निकाला। हालांकि उन्होंने मोहम्मद को भी बाहर निकाला लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। सोमवार को कुछ व्यक्तियों के द्वारा मस्जिद गिराए जाने के बाद मोइनाबाद में तनाव व्याप्त हो गया। एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हो गई है। राजेंद्र नगर जोन के डीसीपी चौ श्रीनिवास के अनुसार एक जेसीबी चालक ने कुतुब शाही युग की सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी ने कहा, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेसीबी अर्थ मूवर को जब्त किया। विशेष टीमों को सभी शामिल लोगों की तलाश में लगाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव तफसीर इकबाल ने कहा कि सूचना मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ AIMIM MLC रहमत बैग, तमरीज चारमीनार के फहीम कुरैशी और TG वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अजमतुल्ला हुसैन ने भी दौरा किया। मोइनाबाद में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। अभी हम मध्य भारत की बात करें तो हम महाराष्ट्र के नागपुर में खड़े हैं और नागपुर के केंद्रीय तार ऑफिस BSNL विभाग में जिस प्रकार से जो BSNL की सिम लेने की होड़ चल रही थी, उस जिस प्रकार की होड़ है, सही में होड़ है या एक सोशल मीडिया पे जो फैलाया गया प्रोपोगंडा है, यही जानने के लिए आज नवभारत की टीम सिविल लाइन्स स्थित CTO कार्यालय में आई थी। मेरे पीछे भी स्टॉल लगा हुआ है BSNL का। मेरे कैमरामैन को बताना चाहूंगा, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भी लोग हैं और साथ में आखिर BSNL की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्या विश्वास के जरिए से लोग जो है नया सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं या पोर्टिंग करने के लिए आ रहे हैं? यही जानने के लिए आज हम सिविल लाइन्स स्थित CTO कार्यालय BSNL में आए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा मेरे साथ आए और कैमरे पे बताएं कि वाकई में स्थिति वही है जो सोशल मीडिया पे बताई जा रही है या कुछ स्थिति अलग है। आइए मेरे साथ। प्रकार हमने बताया था केंद्रीय तारा ऑफिस, यहीं पर जो सिम कार्ड का वितरण हो रहा है, पोर्टिंग भी यही हो रही है, नए सिम कार्ड की यही मिल रहा है। आइए देखेंगे ग्राहक सेवा केंद्र का हाल क्या था। अगर हम देख रहे थे कि सही में यहाँ पर भीड़ है या नहीं है, लोगों की उपस्थिति है या नहीं है, आप देख कर देंगे कि नए पीछे जो है ये खड़े लोग कतार में खड़े और नए सिम कार्ड लेने खड़े। आप चीज लिया है यहाँ पर आपको
सरकारी कंपनी इसने विश्वास आप पर रखा है। अच्छा, अभी लिए आपके तरफ है, आप किस लिए आए? इम्पोर्ट ये कमाल में जो करना चाहते हैं, और भी तो कम से कम सर गवर्नमेंट कंपनी हमारे साथी आपका विश्वास नहीं सरकारी कंपनी है, जिस प्रकार देख रहे थे और हम बताना चाहते थे कि क्यों सरकारी चिन्ह नहीं बिक रहे हैं, सरकारी सिम के साथ में ऑप्टिक फाइबर सर्विस भी डिपार्टमेंट का जो है ज्यादा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, टैरिफ जो है बहुत कम है और सर्विसेस अच्छी है। अब वो BSNL के दिन जा चुके हैं जब BSNL के नाम से लोग पीछे हटते थे, अब वो दौर आ चुका है कि हम लाइन लग रही है BSNL सिम लेने के लिए, और साथ में जो अन्य सर्विसेज भी है BSNL की वो भी जो है ग्राहक लेना चाहते हैं। नवभारत समाचार न्यूज चैनल कैलाश सुमन। SC ने कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर जारी निर्देशों पर लगाई रोक, विपक्ष ने शीर्ष अदालत के कदम की सराहना की। INS ब्रह्मपुत्र में भीषण आग, जहाज एक तरफ झुका, नाविक लापता। गुजरात BJP से जुड़े विकास अहीर को सूरत पुलिस ने ड्रग्स बेचने के मामले में किया अरेस्ट। तेलंगाना पूर्व उप मुख्यमंत्री की कार की चपेट में आने से महिला की मौत। हैदराबाद मस्जिद गिराए जाने के बाद मोइनाबाद में तनाव। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसियो डेकोरेटिव सर्फेस अक्रिलक इंटीरियर क्लैड्स नूरानी लिबास रेडीमेड टेक्सटाइल्स स्टिचिंग ई वॉज प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।